हे गाइस, वेलकम टू वेब कोडिंग। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एरेज एंड स्ट्रिंग सीरीज का एक नया क्वेश्चन जिसका नाम है ऑर्डरली क्यू। सो इस क्वेश्चन में हमें एक स्ट्रिंग गिवन होगी और एक इंटीजर गिवन होगा के। तो हमें क्या करना है, हम इसमें दिया है कि यू कैन चूज वन ऑफ द फर्स्ट के लेटर्स ऑफ एस एंड अपेंडेड टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। इट मीन्स हम पूरी एरे में से, हमारी पूरी स्ट्रिंग में से स्टार्टिंग के कैरेक्टर्स में से किसी एक कैरेक्टर को उठा सकते हैं और उस कैरेक्टर्स को एंड में अपेंड कर सकते हैं। अब हमें इसका कहाँ यूज करना है, देखो जब भी हम एक कैरेक्टर्स को उठाएंगे स्टार्टिंग के कैरेक्टर्स में से किसी एक कैरेक्टर को उठा के एंड में अपेंड करेंगे तो एक नई स्ट्रिंग फॉर्म करेगा। तो हो सकता है वो मेरी लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग हो, है ना, या तो फिर ऐसा हो कि मैंने जो स्ट्रिंग फॉर्म करी मैंने फिर से उसमें एक और मूव लगाया, उसके स्टार्टिंग में से किसी एक कैरेक्टर को चूज करा और फिर उसके बाद में क्या बोलते हैं, उसके बाद हमने फिर से एक नई स्ट्रिंग फॉर्म हुई। हो सकता है वो वाली सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग हुई हो मेरी अभी तक की। तो हमें क्या करना है, ऐसे ही मतलब हम कितने भी मूव का यूज कर सकते हैं और हमें ऐसी सबसे ज्यादा छोटी मतलब लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग ऐसे रिटर्न करानी है ना, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है, यहाँ पे लिखा है यू कैन रिटर्न द लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग यू कुड हैव आफ्टर अप्लाइंग द मेंशन स्टेप एनी नंबर ऑफ मूव्स। मतलब कि हमारे पास नंबर ऑफ मूव्स लिमिटेड नहीं है, हम कितने भी नंबर ऑफ मूव्स यूज कर सकते हैं, लेकिन बस हमें क्या करना है एक स्ट्रिंग की लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग रिटर्न करानी है, ठीक है। ठीक है, तो सब देखो, सपोज करो मेरे पास एक स्ट्रिंग है, मान लो ये है मेरे पास ए डी ई ए बी, ठीक है, ये मेरे पास स्ट्रिंग है। अब और मेरे पास गिवन है k इज इक्वल टू 2, ठीक है, तो मेरे पास क्या ये स्ट्रिंग है तो इसके k इज इक्वल टू 2 है, मतलब कि मैं स्टार्टिंग के किसी भी दो कैरेक्टर्स में से किसी एक को उठा के पीछे अपेंड कर सकती हूँ। तो मैंने मान लो उठाया d, ठीक है, मैंने d उठाया तो मेरे पास आया ई ए ई बी डी, नई स्ट्रिंग ये आई। मैंने इसको प्रीवियस वाले से कंपेयर किया, क्या ये मेरा मतलब मैंने प्रीवियस वाले से कंपेयर किया क्या ये मेरा उससे छोटा है, छोटा तो नहीं है, तो अभी तक मेरा सबसे छोटा क्या है, यही वाली स्ट्रिंग है। फिर हमने क्या किया, फिर मैंने एक नया मूव चला, फिर मैंने एक और मूव देखा, फिर हमने क्या किया, हमने इस ई को उठा के सबसे पीछे लगा दिया, तो ये ए ए बी डी ई बन गया। इसने चेक किया क्या ये प्रीवियस जितने भी प्रीवियस मेरे दो, अब मतलब मेरा एक प्रीवियस में रख लूंगी ना, तो प्रीवियस में मेरे पास एक प्रीवियस मेरी एक स्ट्रिंग होगी जो मेरे अभी तक के प्रीवियस की सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग को कंटेन करेगी, है ना। तो इसने प्रीवियस स्मॉलेस्ट रख लेती हूँ नाम इसका, ठीक है। तो हमने देखा प्रीवियस स्मॉलेस्ट में कौन सी आ रही होगी, सबसे इन दोनों में सबसे छोटी कौन सी थी, प्रीवियस स्मॉलेस्ट में आ रही होगी मेरी ए डी ई ए बी अभी तक। फिर मैंने इस स्ट्रिंग को देखा, ये मेरी ब्रूट फोर्स बता रही हूँ मैं, ब्रूट फोर्स, ठीक है, ये मेरी ब्रूट फोर्स है। मैंने हमारी इस स्ट्रिंग को देखा, देखा क्या ये मेरी प्रीवियस के प्रीवियस वाली जो स्मॉल थी उससे छोटी है, हाँ तो ये उससे छोटी है क्योंकि यहाँ पे वहां पे आ रहा था ए डी पर यहाँ पे आ रहा है ए ए देन बी देन डी देन ई, है ना, तो ये अभी तक की मेरी स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग हो गई, ठीक है। इससे स्मॉलेस्ट तो कोई हो ही नहीं सकती क्योंकि देखो मेरे पास ए ए है, ए के बाद ए आ रहा है, फिर एक बी है जो ए के बाद आ रहा है मेरा, फिर बी के बाद बड़ा कौन सा है डी है, डी आ रहा है, फिर उसके बाद बड़ा कौन सा ई, तो ई आ रहा है, ठीक है। तो ये अभी तक की मेरी स्मॉलेस्ट लेक्सिकोग्राफिकली स्ट्रिंग हो गई, है ना, इस स्ट्रिंग के लिए स्मॉलेस्ट लेक्सिकोग्राफिकली स्ट्रिंग मेरे पास हो गई ए ए बी डी, ठीक है, ये मेरी हो गई स्मॉलेस्ट लेक्सिकोग्राफिकल स्ट्रिंग। तो हमें सिर्फ इसी स्ट्रिंग को रिटर्न करना है, ठीक है, ओके। ये तो, और यहाँ पे अगर हम एक चीज बताऊं मैं आपको ध्यान से कि देखो ये जो मेरी स्ट्रिंग है ना, जो मेरी लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग है, ये मेरी ओरिजिनल जो स्ट्रिंग मुझे गिवन थी उसकी सॉर्टेड के बराबर है। देखो इसकी सॉर्टेड क्या होगी, इसकी सॉर्टेड स्ट्रिंग ऐसी होगी कुछ ए ए बी डी ई के बराबर। तो यहाँ पे हमें एक चीज तो रफ रफ आइडिया मिल गया कि हमारी जो स्ट्रिंग है ना, तो वो सॉर्टेड स्ट्रिंग जो हमारी ओरिजिनल है उसकी सॉर्टेड स्ट्रिंग के बराबर हमारी स्मॉलेस्ट लेक्सिकोग्राफिकली स्ट्रिंग आने वाली है, ठीक है। पर ये केस हमेशा नहीं होता, देखो यहाँ पे मैं दूसरा केस बताती हूँ, एक दूसरा केस अब अगर मैं बताऊं, देखो मान लो मेरे पास स्ट्रिंग है बी ए सी, बी ए सी मेरे पास स्ट्रिंग है, मेरे पास गिवन है k इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब देखो मेरे पास एक, मैं इस किसी एक को ही उठा सकती हूँ, एक ही चॉइस है मेरे पास, अब तो मैंने बी को उठाया, ये मेरे पास बनी ए सी बी, ठीक। फिर मैंने इन दोनों में से कंपेयर करा तो ये वाली अभी तक मेरी स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग है, ठीक है, तो मेरी स्मॉलेस्ट आ गई ये वाली। फिर मैंने एक और मूव चला, देखा मैंने इस ए को पीछे रख के देखा, मेरे पास आया सी बी ए, तो ये इसको प्रीवियस से कंपेयर करा तो मेरी अभी तक स्मॉलेस्ट यही है क्योंकि ये तो बड़ी थी, सी आ रहा है ना ए के बाद, तो फिर यही वाली स्मॉलेस्ट हो गई। फिर से एक और मूव चला तो मेरे पास सेम वही वही वाली बी ए सी आ गई। तो मतलब अब यहाँ इसके बाद मेरे पास एक ही चॉइस है, तो अब इसके बाद तो मेरे पास कोई और ऑप्शन बन नहीं रहा, मतलब रिपीटेशन ही होंगे, है ना, रिपीटेशन होंगे आंसर के, वही ओरिजिनल मतलब ओरिजिनल स्ट्रिंग ही आ गई, रियल स्ट्रिंग के बराबर ही आ गई, तो वापस से सेम ही ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। तो मेरे पास अभी तक मतलब मेरा आंसर कितने बन रहे, मतलब मेरे पास अभी तक कितनी पॉसिबल स्ट्रिंग आई, तीन पॉसिबल स्ट्रिंग आई, बी एस सी
एसीबी और सीएबी है, तो इनमें स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या है लेक्सिकोग्राफिकली? एसीबी, क्योंकि इसमें आगे ए है, तो यहाँ पे के वन था, मतलब कि ये और ये क्या है हमारे सॉर्टेड के बराबर है, इसकी सॉर्टेड स्ट्रिंग के बराबर है क्या ये? सॉर्टेड स्ट्रिंग एबीसी होगी, लेकिन ये तो एसीबी आया, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या 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 बात जानने के लिए मिली कि कुछ कुछ केसेस में ऐसा हो रहा है कि जहाँ पे मेरा सॉर्टेड स्ट्रिंग जो है ना, मेरी स्ट्रिंग की सॉर्टेड स्ट्रिंग है मेरी स्मॉलेस्ट लेक्सिकोग्राफिकल होगी, लेकिन जब मेरा के वन के बराबर होगा तब यहाँ पे चेंज हो सकते हैं केसेस, ठीक है। देखो जब मेरा के वन के बराबर होगा तब यहाँ पे क्या केस हो रहा है, यहाँ पे मतलब तब मेरा जो है वो पलट जा रही है बात, है ना, कि नहीं सॉर्टेड नहीं होगा, कुछ और ही स्ट्रिंग होगी, सॉर्टेड तो आंसर नहीं होगा, है ना, क्योंकि सॉर्टेड तो पॉसिबल बन ही नहीं पा रही, एबीसी स्ट्रिंग तो हम कहीं से अचीव कर ही नहीं पा रहे इसमें, है ना। तो इसके इसके लिए वेन के वन है तो इस स्ट्रिंग के लिए तो मेरी स्मॉलेस्ट ए सी बी आई, ठीक है, ओके। तो अब हमें यहाँ से एक चीज जानने मिली कि जब मेरा के वन के बराबर होगा तो हमारा आंसर क्या होगा, जब मेरा के वन के बराबर होता है तो मेरा आंसर होता है, तो हमने क्या करना, हमारा आंसर कैसे निकालना है, हमें आंसर जब के वन के बराबर है तो हमारा आंसर हम ब्रूट फोर्स से निकालेंगे। When k is equal to 1, use brute force. We are going to use brute force. और जब हमने पहले देखा जब हमारा k greater than 1 था तो मेरा आंसर क्या आ रहा था, sorted string आ रही थी आंसर। अब हमें ये तो पता चल ही गया कि हाँ मेरी sorted string आंसर होगी जब मेरा k 1 से बड़ा होगा, लेकिन ये हम तो यहाँ नंबर sorting कैसे अचीव किया जा सकते, sorting swapping से अचीव की जाती है ना, इन दोनों के जैसे मान लो मेरे पास ए डी ई ए बी है, ए डी ई ए बी, तो मैं हम ए इस ए और डी सॉरी इस डी और इस ए को स्वाप करूंगी तो मेरे पास ए ए ई डी भी आएगा, फिर इस ई और इस डी को स्वैप करूंगी सॉरी इस ई और इस बी को स्वैप करूंगी तो ए ए बी डी ई आएगा, तो मेरे पास सॉर्टेड एरे आ जाएगी, है ना, मतलब स्वैपिंग होती होगी तो मेरे पास सॉर्टेड एरे आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे तो हम स्वैपिंग कर ही नहीं रहे ना, हम तो सिर्फ एक एलिमेंट को उठा के पीछे रख रहे हैं, स्वैपिंग तो हो ही नहीं रही है, तो हम मतलब सिर्फ एक मूव चल रहे हैं। तो अब देखो अब हमें यहाँ पे सबसे पहले ये प्रूफ करने के लिए कि सॉर्टेड मेरा आंसर आएगा, तो हमें सबसे पहले ये प्रूफ करना पड़ेगा कि क्या मैं इन मूव की मदद से मैं स्वैपिंग करा पा रही हूँ दो कैरेक्टर्स की, मतलब मेरे कितने नंबर ऑफ मूव से मेरे दो कैरेक्टर्स के बीच में स्वैपिंग होगी, और अगर मैं सारे मूव मतलब अगर मेरे कैरेक्टर्स के बीच में स्वैपिंग हो रही होगी ना तो हम सॉर्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे स्वैपिंग होती है वहाँ पे सॉर्टिंग हो सकती है आराम से, मतलब सॉर्टेड आंसर मेरा आ सकता है। अब देखो अब मेरे पास है एक कैरेक्टर सॉरी अब मेरे पास एक स्ट्रिंग, मान लो मैंने मेरे पास है सी पी सॉरी सी डी ए बी पी, ठीक है सी डी ए बी पी, ठीक है ये है मेरी स्ट्रिंग सी डी ए बी पी, ठीक ये मेरी स्ट्रिंग है, के मेरे पास गिवन है 2। तो अब मेरे को ये बात बतानी है कि अगर मैं स्वैप कर सकती हूँ दो कैरेक्टर्स को, किसी भी नंबर ऑफ मूव्स तो हमारे पास लिमिटेड है नहीं, है ना, नंबर ऑफ मूव्स लिमिटेड नहीं है, तो इसका मतलब हम कितने भी मूव्स चल सकते हैं और दो नंबर्स को स्वैप कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या हम स्वैप कर सकते हैं। देखो तो मैं यहाँ बोल रही हूँ कि मेरे को सी और बी को स्वैप करना है, इस सी और इस बी को स्वैप करना है, तो मैं सबसे पहले प्रूफ करूंगी क्या हम इन मूव्स की मदद से स्वैपिंग हो सकती है दो कैरेक्टर्स की, इस सी और इस बी को तब कर सकती हूँ मैं, तो हमें अचीवेबल आंसर हमें क्या चाहिए अभी बी डी ए सी पी, यह हमें आंसर चाहिए। देखो के मेरे पास 2 है, इनिशियल थी सी डी ए बी पी, इन दोनों में से मैंने कोई सा चूज किया, मैंने चूज किया मान लो डी, मेरे पास आया सी ए बी पी डी, ठीक फिर मैंने इन दोनों में से चूज किया, डी के बाद मुझे ए चाहिए, मैंने चूज कर लिया ए सी बी पी डी ए, ठीक इन दोनों में से मैंने चूज किया सी को, ठीक तो मेरे पास आया बी पी डी ए सी, इस सी को उठा के पीछे लगा दिया, फिर अब मेरे को पीछे चाहिए पी, इन दोनों में से मैंने पी चूज करा बी डी ए सी पी, आ गए मेरे पास, हो गया ना बी और सी स्वैप हो गए, इन चार मूव्स के बाद मेरे पास स्वैप हो गए बी और सी, मतलब कि हमारी स्वैपिंग हो पा रही है। अब मैंने इसको इरेज करके मैंने दूसरा केस देख लिया, मान लो मुझे करना है यहाँ पे तो मैंने सी और बी को स्वैप किया था अभी तक, अब मुझे करना है मान लो सी और डी को स्वैप कर, ठीक है तो मेरे को आंसर अब चाहिए, जब इसमें मैं सी डी को स्वैप करूंगी तो आंसर मेरा आएगा डी सी ए बी पी, ठीक अब हम करके देखते हैं, ये है मेरे मान लो मेरे पास सी डी ए बी पी, फिर से केस 2 के बराबर है तो मैंने क्या किया चाहिए डी सी ए बी पी, तो मैंने डी को पीछे उठा के रखा तो मेरे पास आया सी ए बी पी डी, है ना, फिर मैंने इन दोनों में से सी को चूज किया तो मेरे पास आया ए बी पी डी सी, फिर मैंने इन दोनों में से ए को चूज किया
तो मेरे पास आया बीपी डीएसी। फिर मैंने इन दोनों में से चूज किया बी को, तो मेरे पास आया पीडीएसी बी, है ना। हमें तो चाहिए डीसीएबीपी, चाहिए हमें ना डीसीएबीपी। तो डी तो हमने यहाँ पे सी नहीं, सॉरी यहाँ पे सी थोड़ी ना चूज करेंगे, यहाँ पे हम ए चूज करेंगे। अभी मैंने चूज किया यहाँ पे डी मान लो, ठीक है, ये होगा सी ए बी पी डी, है ना। अब हमें डी के बाद चाहिए सी, तो मैंने चूज कर लिया इन दोनों में से सी, तो मेरे पास आया ए बी पी डी सी। अब मैंने चूज कर लिया ए, तो मेरे पास आएगा इन दोनों में से, मैंने ए चूज किया तो मेरे पास आएगा बी पी डी सी ए, ठीक। फिर इन दोनों में से मैंने चूज करा बी को, तो मेरे पास आया डी सी ए बी, और पी तो यहाँ के था ही सही, है ना। डी सी ए भी आ गया, और मेरे फिर से मैंने इन दोनों में से पी को चूज करा, पी को उठा के पीछे रख दिया, मेरे पास आ गया डी सी ए बी पी। हो गया अचीव ये वाला आंसर मेरे पास, ये दोनों इक्वल है, हो गया ना अचीव। मतलब कि मेरा सी और डी स्वैप हो गए, मतलब यहाँ चार मूव्स के बाद हमारी स्वैपिंग हो गई, यहाँ पे भी स्वैपिंग 5 मूव्स के बाद हो गई, मतलब कि स्वैपिंग हमारी हो रही है। अगर स्वैपिंग हो रही है ना, तो हम नियरली इक्वल, नियर है, नियर है सॉर्टिंग के। जहाँ पे स्वैपिंग होती है वहां सॉर्टिंग हो ही सकती है आराम से, ठीक है। हमने प्रूव कर दिया कि हाँ हम यहाँ पे स्वैपिंग कर सकते हैं, स्वैपिंग हो सकती है, मतलब कि हमारा एक ना एक टाइम पे तो हमारा सॉर्टिंग भी कर सकते हैं, और एक टाइम पे हमारा सॉर्टेड आंसर आ सकता है। मतलब कि हमारी अभी हमने प्रूव कर लिया कि k इक्वल टू 2 के लिए हमारी जो आंसर होगा वो सॉर्टेड होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं k इक्वल टू 2 के लिए प्रूव कर पा रही हूँ ना, तो मतलब जैसे मानो मैंने यहाँ k इक्वल टू 2 है, यहाँ से यहाँ तक कैरेक्टर लिया, तो मैं k इक्वल टू 3 के लिए भी कर सकती हूँ, क्योंकि जो k इक्वल टू 3 के लिए करूंगी तो मैं इसमें से तो 3 कैरेक्टर्स लूंगी, फिर तो और ईजी हो जाएगी, आसान हो जाएगा। तो जो k इक्वल टू 2 है वो मेरा k इक्वल टू 3 का तो सब सबसेट ही है, सबसेट ही है ना। तो मतलब जब k इक्वल टू 2 के लिए प्रूफ हो चुका है, तो k इक्वल टू 3 पे भी काम करेगा, 4 पे भी काम करेगा, और बहुत मतलब k से बड़े किसी भी नंबर के लिए काम करेगा, मतलब कि स्ट्रिंग की लेंथ तक के लिए, ठीक है। ओके, यहाँ पे प्रूफ हो गया कि हाँ हम स्वैपिंग कर सकते। तो अब हमें क्या दो चीजें पता चली, कि जब मेरा k होगा बड़ा, k होगा 1 के बराबर, हमें लगानी है ब्रूट फोर्स, और जब मेरा k होगा बड़ा 1 से, तब हमें करनी है सॉर्टिंग, मतलब हमारा होगा सॉर्टेड, सॉर्टेड स्ट्रिंग हमारी आंसर होगी, ठीक है। ठीक है जी, अब देखो एक और चीज मैं बता देती हूँ कि k इज इक्वल टू 1 पे हम कैसे काम कर रहे हैं। इसी स्ट्रिंग को ले लेते हैं, स्ट्रिंग थी मेरी सी डी ए बी पी, स्ट्रिंग मेरी है सी डी ए बी पी, ये मेरी स्ट्रिंग है, ठीक है। अब मेरे पास k इज इक्वल टू 1 है, तो मतलब मैंने आपको पहले भी बता ही दिया था कि हम एक बार ब्रूट फोर्स फिर से बता देते हैं, हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे उठाया सी, सी को उठाया डी ए बी पी के पीछे लगा दिया, कंपेयर करा दोनों आंसर को, फिर जो छोटा है उसको आंसर में अपडेट कर दिया, छोटा भी मेरा वही था पहले ही, फिर से डी को उठाया पीछे लगा दिया, आया ए बी पी सी डी, कंपेयर करा प्रीवियस आंसर और करंट इसको, तो ये वाला छोटा है तो आंसर को यहाँ पे अपडेट कर दिया, आंसर मेरा ये। फिर मैंने ए को उठाया पीछे, बी पी सी डी ए, कुछ आया मेरे पास नहीं आया ना, मतलब अभी मतलब ये वाली मेरे पास बड़ी है तो मेरा आंसर वही है। फिर से एक और बार किया पी सी डी ए बी आया, फिर से चेक किया कंपेयर किया अभी भी वही छोटा है, फिर मैंने फिर से एक बार और किया, मेरे पास आ गया सी डी ए बी पी, मतलब वही की वही इनिशियल स्ट्रिंग आ गई, मतलब अब रिपीटेशन परफॉर्म होंगे, मतलब कि मेरे पास इस ब्रूट फोर्स से मेरे पास स्मॉलेस्ट लेक्सिकोग्राफिकल स्ट्रिंग आ गई, जो कि मेरी ए बी पी सी डी। क्या इससे ज्यादा और कोई चीज बन पा रही थी एक मूव के इज इक्वल टू 1 के लिए, नहीं बन पा रही थी ना, ठीक है। ओके, तो अब हम लिखते हैं कोड। तो सबसे पहले यहाँ पे हम रोटेट एरे का फंक्शन लिख देंगे, क्योंकि हमें इसे यूज करने वाले हैं, रोटेट एरे में हमारी एरे आ रही है, तो हम रोटेट कैसे करेंगे, कैस सी एच रोटेट करना, मतलब कि एक कैरेक्टर को उठा के पीछे रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग वाले कैरेक्टर को हम स्टोर करा लेते हैं, फिर इसके बाद कैस सी एच, ओके। अब फोर लूप चलाया, आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन ARR डॉट साइज -1, आई माइनस माइनस सॉरी आई प्लस प्लस, ठीक। अब यहाँ पे ARR ऑफ आई इज इक्वल टू ARR ऑफ आई प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे ARR ऑफ लास्ट वाले में फर्स्ट वाले को पुट कर देंगे, साइज -1 इज इक्वल्स टू
सी एच। ऑल राइट, ये हो गया हमारा रोटेट फंक्शन। अब यहाँ पे हमें कन्वर्ट टू स्ट्रिंग मेथड हमने खुद ने लिखी है, मतलब कि इस कैरेक्टर एरर को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले बनाए स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू एम्प्टी, फिर इस पे लूप चलाएंगे फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू जीरो, फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू जीरो शुड बी लेस देन ए डॉट साइज, ए डॉट साइज आई प्लस प्लस एस प्लस इक्वल टू ए ऑफ आई, ठीक है। और हम रिटर्न करा देंगे हमारे एस को, रिटर्न एस, ठीक है। अब लिखते हैं यहाँ पे ऑर्डरली क्यू वाला मेथड। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम करेंगे हमारी स्ट्रिंग को कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट, कैरेक्टर वेक्टर बना लेते हैं, कैरेक्टर का वेक्टर रिजल्ट, वेक्टर ऑफ टाइप कैरेक्टर रिजल्ट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रिजल्ट हमारे कैरेक्टर वेक्टर में हम स्टोर करा लेंगे हमारे जो हमारा वेक्टर है रिजल्ट नाम का, उसमें हम स्ट्रिंग उसको हमारी स्ट्रिंग को हम कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, ठीक है, यहाँ पे आर एस ऑफ आई आर एस डॉट पुश बैक एस ऑफ आई, ओके। नाउ यहाँ पे हम चेक करेंगे, अगर इफ यहाँ पे अगर मेरा के बड़ा है वन से, तो हम क्या करेंगे सिंपली सॉर्ट कर देंगे हमारे रिजल्ट वेक्टर को। तो आर एस डॉट बिगिन एंड रिजल्ट डॉट एंड, सॉर्ट करके रिटर्न करा देंगे। सॉर्ट करके हमने इसको कन्वर्ट करना है टू स्ट्रिंग में, तो हम कॉल करेंगे कन्वर्ट टू स्ट्रिंग रिजल्ट और उसको रिटर्न करा देंगे, ठीक है, कन्वर्ट टू स्ट्रिंग रिटर्न, ओके। अदरवाइज एल्स मतलब एल्स मेरा के वन के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक फोर लूप चला देंगे, हमने सबसे पहले एक स्ट्रिंग बनानी है यहाँ पे स्ट्रिंग आंसर, जिसमें इनिशियली एस होगा मेरा, ठीक है, स्ट्रिंग आंसर, ओके। नाउ फॉर इंट आई इज इक्वल टू जीरो आई शुड बी लेस देन एस डॉट लेंथ, फॉर एवरी कैरेक्टर यू आर गोइंग टू रोटेट, सो रोटेट रोटेट एरे ए आर रिजल्ट, रोटेट दिस एरे देन चेक, ओके। नाउ इट इज गोइंग टू रोटेट आर रिजल्ट, नाउ आई विल बी डूइंग व्हाट इंट डिफरेंस, I am going to compare my answer. It means the still the smallest string till now. Okay, so answer will be storing the smallest string till now, right? So I am going to compare my answer with my new with my result. So now convert. I am going to convert my array to string, and then going to compare it with my answer. So if difference is greater than 0, it means my answer is greater than my new array, new string that is formed. So what am I going to do, I'm going to update my answer to convert to string my arr to my new string, okay, and then I'm going to result my answer, return my result, return my answer, okay. Now let's try to run this. There is some error at line 41. Int difference is equals to answer dot compare convert to string arr, is it smaller s than arr, okay, it will be result, its name is result, okay. Now let's try to run this.
ऑनलाइन 44, ओके, अगेन इट विल बी ए आर आर, इट विल बी रिजल्ट,